इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेनली जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। उससे पहले हम डिफरेंस देखते हैं घूर्णन गति, रोटेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन और रिजोरेखीय गति या स्ट्रेट लाइन में गति में पर्टिकुलर डिफरेंस क्या है या वे क्या चीज़ें हैं जो इन दोनों को डिफरेंस बनाती है। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। इसको हम दो पार्ट में देखते हैं। इधर की साइड हम लिखते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन के कुछ फैक्टर और इधर हम लिख लेते हैं रोटेशनल मोशन के फैक्टर्स और उनकी कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपने बेसिकली जो देखा होगा वह आपने देखा होगा दूरी और विस्थापन। स्ट्रेट लाइन मोशन में जो काम विस्थापन एस करेगा या दूरी एस करेगी या डी जिसको आप बोलते हैं वो यहाँ पर काम करेगा एंगल थीटा। कैसे वो अभी समझते हैं। टाइम टाइम ही रहना है। इसके बाद जो यहाँ पर आप सामान्य वेलोसिटी बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, वो यहाँ पर काम करेगा ओमेगा। इनका मतलब क्या वो अभी देखते हैं। और जो यहाँ पर आपका त्वरण होगा, एक्सेलरेशन होगा, वो यहाँ पर काम करेगा अल्फा। जो यहाँ पर बल होगा वस्तु पर लगने वाला वो यहाँ पर काम करेगा टो। और जो यहाँ पर काम करेगा आपका लीनियर मोमेंटम वो यहाँ पर काम करेगा एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम इसको पी बोल देते हैं, इसको एल बोल देते हैं और इसको समटाइम्स हम स्मॉल एल से भी शो करते हैं। ये वो एब्रिविएशन है जो स्ट्रेट लाइन मोशन और रोटेशनल मोशन में यूज़ होते हैं सेम मैनर में, बट इनका मतलब अलग अलग है। क्या है वो हम देखते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन में जब कोई वस्तु चलती है तो हम बोलते हैं कि इस वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष बदल रही है। सिमिलरली रोटेशनल मोशन में हम बोलेंगे कि इस वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष एंगल में बदल रही है। कैसे वो देख लेते हैं। मान लीजिए कोई कण है जो एक धागे से बंधा हुआ है और सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक। मानते हैं इनिशियल टाइम टी को 0 पर वस्तु वो यहाँ पर है, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर, इसका सेंटर सी यहाँ पे है। और आफ्टर सम टाइम टी इक्वल्स मान लीजिएगा 2 सेकंड्स और लेट्स से डेल्टा टी टाइम बाद ये वस्तु यहाँ पर आ चुकी है, राइट। ये वस्तु आप देखोगे स्ट्रेट ना चल करके ये वस्तु डिस्प्लेस हुई है सर्कुलर पाथ पे। इसका जो इनिशियल पोजीशन है जो यहाँ थी और इसकी फाइनल पोजीशन है उसमें कुछ एंगुलर आपको डिस्प्लेसमेंट दिखने के लिए मिल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ये डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको अगर रेक्टिलिनियर मोशन से कनेक्ट करें तो मान लीजिएगा ओरिजिन यहाँ पर है किसी वस्तु का और वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है, आफ्टर टी टाइम बाद मान लीजिएगा यहाँ पर आ चुकी है वस्तु। टी को 0 पर यहाँ पर और टी को 2 सेकंड्स और आफ्टर डेल्टा टी टाइम बाद वो यहाँ पर आई है, तो हम बोलेंगे कि वस्तु यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन में एस दूरी एस विस्थापित हो चुकी है। सिमिलरली रोटेटरी मोशन है वो एंगल काम करेगा। ऐसे ही दूरी का अगर आप डिफरेंस निकालो, मान लो कि नेक्स्ट 3 सेकंड में वस्तु यहाँ आ चुकी है तो उसकी जो ये डिस्टेंस है मान लीजिएगा आपके पास S2 और S1 थी। आप डिफरेंस देखोगे S2 और S1 में तो आपके पास S2 - S1 कंप्लीट आपके पास S2 ये है, S1 आपके पास S2 ये है, S1 ये है, S2 - S1 आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगी जो आपका होगा विस्थापन में अंतर या विस्थापनों का अंतर या दूरी में अंतर। सिमिलरली मानते हैं जैसे टी को डेल्टा टी टाइम पर यहाँ पर ही वस्तु यहाँ है और आफ्टर अगेन सम टाइम लेट्स से 3 सेकंड्स बाद ये वस्तु यहाँ आ चुकी है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ अलग होगा, हमारी जगह θ1 है और ये यहाँ से फिर एंगल कंप्लीट θ2 है। कंप्लीट जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका यहाँ से यहाँ तक दिस इज θ2। पर अगर हम भी निकालने की वस्तु यहाँ से यहाँ कितनी डिस्प्लेस हुई है तो वो कैसे निकलेगा, θ2 - θ1। दिस इज द डिफरेंस इन द एंगल, इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है वस्तु का यहाँ से यहाँ तक। जैसे है कि बहुत सिंपल से हमने डिफरेंस देखा रेक्टिलिनियर मोशन और रोटेटरी मोशन में, ऐसे ही बाकी सब डिफरेंस है। अब बात करते हैं, सबने अभी एब्रीवेशन लिखे थे लाइक यहाँ पर जो एस काम करेगा वो यहाँ थीटा काम करेगा। जो यहाँ पर वस्तु की वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, जिसको हम बी से शो कर सकते हैं, वो यहाँ पर स्पीड होगी वस्तु की एंगुलर, क्योंकि वस्तु एंगल में चल रही है। यहाँ पर वस्तु
स्ट्रेट लाइन में दूरी के हिसाब से आगे चल रही थी, यहाँ पर वस्तु एंगल में डिस्प्लेस हो रही है। तो यहाँ पर हर एक फैक्टर के आगे जो यहाँ पर दूरी है वहाँ पर एंगुलर दूरी होगी, कोणीय दूरी होगी या कोणीय विस्थापन होगा। जब आप रोटेटरी मोशन पढ़ो तो रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, रिजु रेखा गति के सभी डेफिनेशंस या सभी फिजिकल क्वांटिटीज के आगे आपको एंगुलर वर्ड लगाना है, कोणीय वर्ड लगाना है यहाँ पर। जैसे हम बात करते हैं विस्थापन, तो वो रोटेटरी मोशन में हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो वो रोटेटरी मोशन में हो जाना है कितना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं दूरी की, तो वो डिस्प्लेसमेंट वहाँ पर सेम ही रहेगा। बात करते हैं सब स्पीड की, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी चलेगा क्योंकि एक लाइन में वस्तु मूव करती है, यहाँ पर चलेगा आपके पास एंगुलर वेलोसिटी, राइट। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास चलेगा लीनियर एक्सेलरेशन, वहाँ हमारे पास चलेगा एंगुलर एक्सेलरेशन। बस इस बार वस्तु की जो गति है वो रोटेटरी हो चुकी है, रोटेशन कर रही है वस्तु, एक अक्ष के परितः घूम रही है, तो उसके सब फिजिकल क्वांटिटी एंगल से डिफाइन होंगी, ये हमें पर्टिकुलर ध्यान रखना है। अब हम अपने मेन पॉइंट पे आ जाते हैं जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया, ये आपने पहले पढ़ रखा है, हिंदी में इसको हम बोलते हैं जड़त्व। सबसे पहले आपने ये पढ़ा होगा न्यूटन के गति के नियम में, जिसका पहला ही नियम है वो, उसका नाम ही यही है, जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका सामान्य सा मतलब जो रूल बताता है वो क्या बताता है कि यूनिवर्स में कोई भी जो वस्तु है वो अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। साफ सा मतलब कि अगर कोई वस्तु रखी हुई है और आप उसकी स्थिति बदलोगे, रखी हुई उसको आगे चलाओगे, तो वो विरोध करेगी अपने चलने का। या दूसरा, अगर कोई वस्तु चल रही है उसको आप रोकोगे तो रोकने का विरोध करेगी। वो विरोध वाली प्रॉपर्टी, वो अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो रोक रही है हमें स्थिति परिवर्तन को, उसका जड़त्व कहलाती है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है, कोई बॉल यहाँ रखी हुई है, ठीक। अब हम इसकी वस्तु, इस बॉल की पोजीशन चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ से हम इसको यहाँ डिस्प्लेस करना चाह रहे हैं, सो हमें कुछ बल लगाना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। और जो बल लगाना पड़ रहा है वो इसलिए ही लगाना पड़ रहा है क्योंकि वस्तु यहाँ नहीं जाना चाहती, खुद से ये कह रही है मुझे यहीं रहना है। तो वो प्रॉपर्टी जो हमें रोक रही है इसको यहाँ से यहाँ ले जाने में, हम अपने एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा करके उसको ले जा सकते हैं, बट कुछ फैक्टर तो है जो इसको यहीं रोके रखा है, वही फैक्टर जड़त्व कहलाता है, इनर्शिया कहलाता है। और आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये वस्तु इस टाइम पर रुकी हुई है, स्टेशनरी है, तो इस टाइम पे इनर्शिया जो है वो रेस्ट वाली इनर्शिया, रुकी हुई इनर्शिया है, सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हम बोलेंगे कि इस टाइम पर इस वस्तु में इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। और अगर वस्तु, मान लीजिएगा वस्तु चल रही है, जैसे कोई बॉल पहले से ही मूव करती आपकी ओर को आ रही है और आप उसको रोकना चाह रहे हो, सो आपके हाथ पे जस्ट आकर के वो चोट लगाएगी बिकॉज वो रुकना नहीं चाह रही और आपको, जब आप हाथ से जबरदस्ती उसको रोक रहे हो, सो वो फैक्टर जो आपको चोट लगा रहा है वो जड़त के कारण ही आया है, क्योंकि वस्तु कह रही थी मुझे आगे जाना है और आपने उसको रोक लिया। सो उस टाइम पर उसके पास जो जड़त्व था वो चलने वाला जड़त्व था, उसको हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। इन दोनों प्रॉपर्टी को मिला करके न्यूटन ने जो फर्स्ट रूल बनाया है मोशन का, वो आप अच्छे से जानते ही हैं कि कोई वस्तु अगर रुकी हुई है तो हमेशा रुकना ही चाहती है, और अगर कोई वस्तु चल रही है तो हमेशा चलना ही चाहती है, जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे। या ऐसे कह सकते हैं कि कोई वस्तु अगर रेस्ट में है तो वस्तु रेस्ट में ही रहेगी, और वस्तु कोई अगर चल रही है मोशन में तो मोशन में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स ना लग जाए उसकी स्थिति परिवर्तन को। इंग्लिश में इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट देन इट विल ऑलवेज इन द रेस्ट, एंड इफ इट इज़ इन मोशन देन इट विल ऑलवेज इन द मोशन अंटिल यू अप्लाई अ फोर्स अपॉन दिस टू चेंज इट्स मोशन और टू चेंज इट्स पोजिशन। दिस इज़ अ लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको आप बोलते हो न्यूटन का फर्स्ट रूल, न्यूटन्स फर्स्ट रूल। और साफ सा मतलब इस टाइम में जितना भी अभी हमने पढ़ा है पिछले लगभग एक दो मिनट में, वो सब रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में, स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में है। सेम टू सेम ये पूरी की पूरी फिनोमेना अप्लाई हो जाती है रोटेशनल मोशन पे,
या घूर्णन गति पे, कैसे वो हम देखते हैं। सो यहाँ पर आपके पास एक वर्ड आ चुका है इनर्शिया, उसको हम ध्यान रख लेते हैं। सो इनर्शिया रोटेशन में क्या काम करेगी वो हम देखते हैं। अच्छा, इनर्शिया का जो पर्टिकुलर मीन हम लेके चल रहे हैं या होता है वो हम ये लिखते हैं, ये विरोध कर रही है, विरोध करना किस चीज का, परिवर्तन का। ये परिवर्तन नहीं चाहती है, इट डजंट वॉन्ट टू चेंज इन इट्स इनिशियल स्टेट, वेदर इट इज रेस्ट और इट इज मोशन। इनर्शिया का सिंपल सा मतलब ये है। एक कंडीशन अज्यूम करते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु है जो रोटेट कर रही है किसी एक्सेस के चारों ओर और उसको आप रोकना चाह रहे हो तो क्या होगा, चलेगा। सो मान लेते हैं कि जैसे हमारे पास एक बॉल है और ये अपने डायमीटर के चारों ओर रोटेट कर रही है, इसका डायमीटर हम मान लेते हैं, चलिए डायमीटर की जो एक्टिंग लाइन है उसको हमने मान लिया है, मान लेते हैं इस तरीके से मूव कर रही है ये, और काफ़ी इसकी वेलोसिटी भी है, ये भी मान लेते हैं, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी कुछ मीटर पर सेकंड है, समथिंग मीटर पर सेकंड, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी जिससे मूव कर रही है पर सेकंड, इतने एंगल ये कवर कर रही होगी। अब ये घूम रही है, किस फोर्स से घूम रही है अभी हम वो टारगेट नहीं कर रहे, फिलहाल ये घूम रही है। अब हमने क्या काम किया, इस पर इसको टच किया, रोकना चाहा, तो क्या होगा, हमारा हाथ रब होगा इसके सरफेस से और हमारे हाथ पे थोड़ी चोट फील होगी, या बोलेंगे हमें फोर्स फील होगी, वो फोर्स आप इस पे लगा रहे हो उसको रोकने के लिए, और बस तो अभी रुक नहीं रही है क्योंकि नॉर्मली इनिशियल बात करते हैं कि हम बहुत कम फोर्स लगा रहे हैं और बस तो अभी नहीं रुक रही है, आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो बस तो रुकेगी, लेकिन हमें फोर्स बढ़ानी पड़ रही है इसको रोकने के लिए, इसका मतलब ये रुकने नहीं चाह रही है। और कौन सा रुकना नहीं चाह रही है, रोटेशन बंद नहीं करना चाह रही है वस्तु, तो हम ये कह सकते हैं इस वस्तु में रोटेशन वाला इनर्शिया है, रोटेशन हम रोक रहे हैं उसका विरोध कर रही है, परिवर्तन का विरोध कर रही है, किस परिवर्तन का, दिस बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस एंड वी आर स्टॉपिंग इट्स रोटेशन बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, द टेंडेंसी द प्रॉपर्टी ऑफ दिस बॉडी विच इज अगेंस्ट ऑफ अस इज नॉन एज इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी। एनी बॉडी कर क्या रही है, ये बॉडी रोटेट कर रही है, सो हम बोल सकते हैं इनर्शिया ऑफ रोटेशन, इस टाइम पर इसके अंदर जो रोटेशन इनर्शिया है वो कौन सी है, रोटेशन वाली है, तो वहाँ से कंसेप्ट आ जाती है इनर्शिया ऑफ रोटेशन, और इनर्शिया कोई भी हो, रोटेशन की हो या स्ट्रेट लाइन की हो, सिंपल मोशन की हो, रेस्ट की हो, उन पर सब पे रूल न्यूटन का फर्स्ट रूल ही लग जाएगा। क्या कैसे समझते हैं इसको, अच्छा अब यहाँ से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लेते हैं। सो, आपने ठान लिया है कि हम इस वस्तु को रोकना ही है, कम्प्लीटली रोकना ही है, तो सिंपल सी बात, आपको अपनी फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा। आपने फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ाया और आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आपको आप फोर्स इस तरीके से परपेंडिकुलर, अच्छा हम एग्जाम्पल लेते हैं इस बॉडी का, मान लीजिएगा जैसे अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, इस तरीके से रोटेट कर रही है और आई एम अबाउट टू स्टॉप दिस, सो मैं इस रोटेट करती हुई अर्थ पे ऐसे फोर्स लगाऊंगा, ऐसे मैंने फोर्स नहीं लगाई है, मैंने फोर्स ऐसे लगाई और ऐसे रुकेगी भी नहीं, ऐसे रुकनी भी नहीं है क्योंकि इसकी मोशन एंगुलर है इस तरीके से, तो आपको फोर्स भी इस तरीके से लगानी पड़ेगी, तो आप देख रहे हो आप फोर्स में एंगुलर फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पर इस टाइप की फोर्स को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या कपल ऑफ फोर्सेस या सिंपल लैंग्वेज में बोले तो टॉर्क। सो द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ रोटेटिंग बॉडी इज नोन एज टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको आप कपल ऑफ फोर्सेज ही बोल देते हो, तो रोटेशन मोशन में जो फोर्स लगेगी उसको हम टॉर्क बोलेंगे, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं टॉर्क या कपल ऑफ फोर्स बोल दीजिएगा, ठीक टॉर्क। सो टॉर्क इज द फोर्स विच रिक्वायर टू मेंटेन रोटेशन मोशन ऑफ बॉडी और विच रिक्वायर टू स्टॉप द रोटेशन ऑफ अ बॉडी, ये आपके पास टॉर्क फोर्स है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कंसेप्ट कहाँ से आएगी वो हम देख लेते हैं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी के अंदर इस टाइम पर वो इनर्शिया है जो इसके रोटेशन मोशन को रोक रहा है, वही इनर्शिया को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह सकते हैं। कैसे, अब अच्छे इसमें एक बात और देखते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, वस्तुएँ, जैसे सिंपल एग्जाम्पल ये तो हम जो घर में इंजन होता है, जैसे सामान्यतः घर में कुट्टी काटी जाती है पशुओं के लिए, उस इंजन के जो साइड में व्हील्स होते हैं वो व्हील्स इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं
फैक्ट्रीज से कि उन व्हील का जो लगभग 80-90% जो मास होगा, लगभग 60-90% मास होगा, वो उनके किनारों पर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ना कि बीच में. बीच में पतले होते हैं और साइड से बहुत मोटे होते हैं. ऐसे क्यों करते हैं वो? क्या होता अगर सारे के जो वो व्हील है वो सारा का सारा उसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है व्हील बिल्कुल स्ट्रेट होता, गोला गोल और स्ट्रेट होता, क्या होता उतने अच्छे से वो काम नहीं कर पाता. पूरा मास को आज ज़्यादातर मास को ऊपर कंसंट्रेट करने से क्या हुआ वो हम देखते हैं यहाँ पे, समझते हैं. यहाँ पर एक सिंपल कॉमन सेंस एक बात आपको पता चल जानी है. अगर मान लीजिएगा मास आपने यहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेट किया है और एक व्हील है जिसका मास ओवरऑल सभी जगह इक्वल कंसंट्रेटेड है, आपने इसको घुमाया और इसको घुमाया, दो केस हमारे पास, एक इसको घुमाना और इसको घुमाना, रोटेट कराना, किस एक्सेस के अराउंड, इसके सेंटर पे कोई एक्सेस मान लीजिए कराना, आपको इसको घुमाना है, ऐसे करके घुमाना है. आपने इनिशियल घुमाया, इसको घुमा के छोड़ा, ये घूम रहा है, आपने इस पर फोर्स लगाई, ये घूम रहा है. आफ्टर सम टाइम क्या होगा, कौन सा पहिया देर तक घूमेगा, 1 और 2 सेकेंड. ऑफकोर्स अगर आप ऐसा करते हो तो सेकेंड पहिया काफ़ी देर तक घूमेगा, फर्स्ट पहिया रुक जाएगा. आपने क्या काम किया, फिर से आपने यहाँ पर ज़्यादा मास बढ़ा दिया, एक्स्ट्रा चीज़ आपने इस पर चिपका दी है, मास बढ़ा दिया है, उसको आपने ऐसे कैसे रखा है, इनके लगभग रेडियस सेम है, फिर से आपने सेम प्रोसेस घुमाया, इसको घुमाया, सेम फोर्स से घुमाया यहाँ पर, तो क्या होगा आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये रुक जाएगा, वो और भी देर तक घूमता रहेगा. सो ये एक्चुअली फैक्ट है, इस फैक्ट से हम रूल्स बना सकते हैं या मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन या फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं. सो होता क्या है, अगर मास एक्सेस और रोटेशन से जितना दूर होता है उतना ही वस्तु के घूमने की प्रॉपर्टी उसके अंदर ज़्यादा जाती है, ये कह सकते हैं. फोर्स लगाने के बाद काफ़ी देर तक उस फोर्स का इफेक्ट रहता है और यही से स्टार्ट होती है कंसेप्ट हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की. सो हम ये कह सकते हैं इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है और इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है. अच्छा, वाई दिस बॉडी हैज़ द ग्रेटर इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देन दिस, बिकॉज इसका मास जो है वो एक्सेल रोटेशन से दूर है और ज़्यादा है. तो सिंपल से हम यहाँ पे दो फैक्टर देख रहे हैं, दूर और ज़्यादा. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का डिपेंड करता है किस पर, दूरी पर, ज़्यादा पर, और दूसरा क्या, मास पर. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली आई से हम शो करते हैं, सो मैं आई एब्रिविएशन यहाँ ले रहा हूँ. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी. मास कैसे वाला, जो दूर है मास है, तो हम ये कह सकते हैं टोटल मास पे नहीं, मास के डिस्ट्रीब्यूशन में, कि मास कहाँ ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट है. सो यहाँ पे मेरा मास से मतलब एक्चुअली मैग्नीट्यूड नहीं है, देखा जाए तो मेरा ज़्यादा सेंस ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है मास का वो कहाँ पर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास. एंड सेकेंड फैक्टर जो हमारे पास है वो फैक्टर है डिस्टेंस का. जब अप्लाई किया गया फॉर्मूलों से तो एक्चुअली डिस्टेंस पर ज़्यादा डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसके दो पावर के प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है. तो जैसे कोई बॉडी अगर यहाँ इसका मास लगभग रेगुलर मास, ओवरऑल मास, ये पूरा मास है हमने इसका m माना है, और जो डिस्टेंस है इसकी हमने r मान ली है. सो अगर आप इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हो तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो. इन दोनों कंक्लूजन को मैं एक साथ लिख देता हूँ, दिस इज आई इक्वल्स टू आई प्रोपोर्शनल टू एम आर स्क्वायर. इस साइन को हटा करके आप यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट ले ला सकते हैं, इस कॉन्स्टेंट की जनरल वैल्यू 1 होती है. सो यहाँ से फॉर्मूला आपके पास बन जाना है एम आर स्क्वायर. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंपल फॉर्मूला आई इक्वल्स एम आर स्क्वायर होता है. इसको आप डिफाइन कर सकते हो, सो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण किसी बॉडी का कैसे डिफाइन करेंगे, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मास एंड द एक्सेस ऑफ रोटेशन, बिकॉज यू आर रोटेटिंग दिस बॉडी अराउंड एक्सेस विच पास थ्रू इट्स सेंटर. सो ये डिस्टेंस जो है वो मास की डिस्टेंस, जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वल डिस्टेंस आर पर, उसके डिस्टेंस है. सो इसकी डेफिनेशन हो जानी है. यूनिट की बात करते तो किलोग्राम में मास को आप मेजर करोगे, मीटर में डिस्टेंस को मेजर करोगे, एम के एस में, सो इसकी यूनिट हो जानी है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, राइट. अब बात करते हैं हम किसी ऐसी वस्तु की, ऐसी बॉडी की जो रेगुलर ना हो. अभी जो हमने जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं, मैंने पहिए का एग्जाम्पल लिया था, वो पहिया एक्चुअली सिमेट्रिक होता है अपने सेंटर के चारों ओर, उसका टोटल मास लगभग सभी जगह सेम होता है. बट अगर कोई वस्तु ऐसी हो जिसके शेप इरेगुलर हो, इरेगुलर फोर्स शेप की वस्तु, इसका मास कहीं ज़्यादा कहीं कम हो,
उसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे किसी पर्टिकुलर एक्सेस पर तो कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिएगा ये वस्तु है और हम इसको इस एक्सेस के अराउंड घुमा रहे हैं यहाँ पर, तो क्या होगा इसका, इसको हम घुमा रहे हैं इस तरीके से। तो सिंपल सी बात है, ये वस्तु केवल एक ही मास, एक ही मास हम इसको नहीं मान सकते, हम मान लेंगे कि ये वस्तु छोटे छोटे मासेस से मिल करके बनी है, या छोटे इसके जो पार्टिकल्स है इसको बना रहे हैं उनके मैंने मासेस ये मान लिए, राइट। और भी इसमें मासेस होंगे, फिलहाल m1 m2 m3 डॉट डॉट mn, लेट्स सी mn n पार्टिकल्स आर कंप्राइज दिस बॉडी हैविंग द मासेस m1 m2 m3 एंड इन सब की जो एक्सिस से डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मैंने मान ली है r1 इसकी, इसकी आप r2 मानिएगा, इसकी हम r3 मानिएगा। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है मैं डिस्टेंस सेंटर से नहीं रोटेशन एक्सिस से ले रहा हूँ, क्योंकि ये सब मासेस जब मूव करेंगे सो मूव करेंगे इस एक्सिस के अराउंड, ना कि सेंटर के अराउंड। सो डिस्टेंस आपको कहाँ से लेनी है, एक्सिस से लेनी है। अब चेक करते हैं इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। सो फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही रहना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी इक्वल टू, अब यहाँ पर सिंगल मास नहीं है पूरी बॉडी का, हमें इस मास को हमने डिवाइड कर दिया है या इस मास को मिलकर के मान लिया है कि m1 m2 m3 से मिलकर के बन रहा है। सो टोटल मास ऑफ दिस बॉडी हो जाना है कितना, m1 m2 m3 एंड डॉट डॉट mn। अब एक बात और मानते हैं, मान लीजिएगा ये जो बॉडी है जो m1 से मिलकर के बनी है, m2 से मिलकर के बनी है, m3 से मिलकर के बनी है, इसको हम अकेला ही नया पार्टिकल मान लेते हैं इन सभी को, राइट। ऐसे जो mn वाला होगा वो नया पार्टिकल है। इन जब पूरी बॉडी घूमेगी तो सिंपल सी बात है पार्टिकल भी घूमेंगे, तो क्यों ना हम इन पार्टिकल्स का अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सेस के अराउंड निकाल लें और बाद में उनको एडअप कर दें और हमें इस तरीके से मिल जाना है पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल वन वुड बी मास मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर ऑफ रोटेशन एक्सेस डिस्टेंस। सो दिस इज m1, आवर स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल अराउंड दिस एक्सेस जिसकी डिस्टेंस r1 है एक्सेस ऑफ रोटेशन से। सिमिलरली दूसरे पार्टिकल के लिए हो जाना है m2 r2 स्क्वायर, तीसरे के लिए हो जाना है m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन सो फोर्थ, mn के लिए हो जाना है mn rn स्क्वायर। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m1 m2 m3 डॉट mn सारे पार्टिकल्स बॉडी के अंदर है, पूरी बॉडी को बना रहे हैं इस तरीके से, इन सब का सम निकाल कर पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस का राउंड ये आ चुका है। इसको आप समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन mirI स्क्वायर एंड फ्रॉम आई इक्वल टू 1 टू हाउ मेनी पार्टिकल देर आर दी एन पार्टिकल। सो इसको आप एक्सपेंड करोगे तो ये फॉर्मूला फिर से आ जाना है कितना, आई इक्वल टू 1 1, सो फर्स्ट पार्ट, 2 रखोगे सेकंड, 3 रखेंगे थर्ड एंड रखोगे nth। मान लीजिएगा जो टोटल मास है इन पूरी बॉडी का वो कैपिटल M मान लेते हैं और जो एवरेज इन रोटेशन एक्सिस का वो हम मान लेते हैं R, जिसको आप रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। जो एवरेज होता है अलग अलग एक्सिस रोटेशन का रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं, उसी कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो फिलहाल ओवरऑल पूरी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास आ जाना है वो आ जाना है इक्वल्स m into r square, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी विच इज अरेगुलर इन द शेप या विच हैज डिफरेंस इन द मासेज अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम, ठीक। सो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये भी दे सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन। अगेन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अराउंड एक्सेस इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शियाज ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स अराउंड दैट एक्सेस, ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं। और इन तीनों में से आप कोई भी अपने डेफिनेशन में मेंशन करने के लिए लिख सकते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इक्वल टू द सम ऑफ द मासेस विद द स्क्वायर ऑफ रोटेशनल एक्सेस फॉर द पर्टिकुलर पार्टिकल्स, ऐसे बोल दीजिएगा। और दूसरा क्या हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अराउंड एक्सेस ऑफ रोटेशन इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी अराउंड द एक्सेस ऑफ रोटेशन। सो दिस वाज अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं
कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कंसेप्ट रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, जैसे अलग अलग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सेस अराउंड क्या आएगा, जैसे स्वर्ड स्पीयर का डायमीटर के अराउंड क्या आना है, या किसी टेंजेंट के अराउंड क्या आना है, या किसी बार का किस एक ऐसी एक्सेस से के अराउंड क्या आना है जो उसके सेंटर से पास हो रही हो या उसके किसी कॉर्नर से पास हो रही हो, इस टाइप की बॉडीज़, या कॉन का देखेंगे कि कॉन के हाइट के अलॉन्ग कोई एक्सेस उसके चारों आप उसको घुमा रहे हो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।